इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के खारी बावली बाजार में, और जहाँ बैठा हुआ हूँ ये गडोदिया मार्केट कहलाती है। मसालों का व्यापार यहाँ बड़ी संख्या में किया जाता है, और आज हम बात करेंगे धनिए को लेकर के। जो साबुत धनिया होता है वो कितने प्रकार का होता है, और उसके भाव क्या चल रहे हैं, और कितने भाव उसके जो है कम से कम गिरावट आ सकती है, या कितने ज़्यादा से ज़्यादा उसके भावों में बढ़ोतरी हो सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए कमलेश कुमार जोशी जी इस वक्त मौजूद हैं, जो श्री श्याम ट्रेडिंग के नाम से यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। मसालों का इनका व्यापार है। सर, मेरा नाम कमलेश कुमार जोशी, ये श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी, गड़ोदिया मार्केट, खारी बावली। सर, किस चीज़ का व्यापार करते हैं? जैसे धनिया ये का है। किराना में जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, जीरा, सौंफ वगैरह, किराना आइटम के सारे तकरीबन जो भी आइटम आते हैं। सर, आज हम मतलब खास तौर पर जो है धनिया के बारे में जानकारी हासिल हाँ करना जी, चाह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बताएंगे आप। धनिया जो है ये कितने प्रकार का होता है और कहाँ से आता है? ये ऐसा है जी, धनिया की कोई वैरायटी नहीं, कम से कम 10 से 20 तरह की क्वालिटी होती है। तो ये अलग अलग मंडियों में, जैसे गुजरात में हर स्टेशन पे इसकी मंडियाँ हैं, राजस्थान में 10 से 12 इनकी मंडियाँ हैं, हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से छोटी मोटी बड़ी मंडियाँ होती हैं, तो हर जगह मंडियाँ अवेलेबल हो जाती है। वैसे ये खारी बावली एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो यहाँ सारे दिशावरों से हर तरह का किराना हो, ड्राई फ्रूट हो, सब कुछ इसी मंडी में आता रहता है। मौजूदा समय में जो इसका भाव है आज की तारीख में, इसके भाव का बताइए, क्या भाव चल रहा है इसका? बताया ना मैंने आपको, मैक्सिमम 70 से 75 रुपए से स्टार्टिंग है, जो मतलब हल्की क्वालिटियां हैं, जो बादामी सेल्ड में आती है उसकी 70 से 75 रुपए से स्टार्टिंग है, और ऊपर से 200 रुपए तक है इसकी रेट है। वैसे बढ़िया माल हो ग्रीन तो 200 से ऊपर तक भी हो जाते हैं इसकी रेटें। जैसे आपने बताया कि मतलब एक तो क्वालिटी के मेन ऊपर क्वालिटी, डिपेंड करता क्वालिटी है के ऊपर डिपेंड इसका। करता तो है। अगर जैसे मौसम की मार का है, या जैसे जब मौसम बदलता है, तो उसमें भी क्या इसके भाव में कुछ फर्क नहीं पड़ता है? नहीं जैसे सीजन के टाइम पे, जैसे मार्च अप्रैल में इसकी जो फसल आती है, उस टाइम कच्चे माल होते हैं, तो उस टाइम थोड़ी रेटें कम भी होती हैं। फिर जैसे जैसे ग्राहकी बढ़ती है या लिवा जितनी बढ़ती है, उस हिसाब से फसल के ऊपर है कितनी आई है, कितना है, उसी हिसाब से रेटें होती रहती हैं। ये तो अब जैसे बरसात के मौसम में ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके, भीगने से कहीं, अगर इसको वेयर हाउस वगैरह में स्टोर ना किया जाए तो ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। से बड़े बड़े व्यापारी हैं, इसको कैसे, इसको मतलब अब बरसात का महीना चल रहा है, जैसे बरसात में कैसे इसको सही सलामत रखा जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है खराब बरसातों होने में तो से? यही है कि अपने कोल्ड स्टोर वगैरह में इसको रखा जाए तो सुरक्षित रहता है, बाकी बाहर तो जैसे हवा भी लग जाए, भीग भी जाए, तो इसके ख़राब होने के पूरे चांसेस होते हैं। जैसे बताया आपने दिसावर से आता है ये, हाँ, दिसावरों से, जैसे कहाँ राजस्थान, कहाँ से? गुजरात, एमपी, इनमें सारी तकरीबन हर स्टेशन पर इनकी बड़ी बड़ी होलसेल रेट मंडियाँ होती हैं, वहाँ किसान आते हैं, वहाँ धनिया पैदा भी होता है। जैसे हरा धनिया है वो भी इसी से ही बनता है? हाँ, वो फसल के ऊपर है, जैसे ग्रीन जो काला पड़ जाता है, फसल ख़राब हो जाती है, वो काला पड़ जाता है, जैसे बारिश हो गई, कोई और बात होगी, पानी समय पे नहीं देगा तो हल्की फसल वो काला पड़ जाता है, या बाहर रख दिया तो काला पड़ जाता है। वैसे होने को तो ये नेचुरल ग्रीन ही होता है, लेकिन फसल जैसे जैसे होती है वैसे वैसे बनता है, फिर इसकी उसी हिसाब से छटाई होती है, मशीनों से क्लीनिंग होती है, उसी हिसाब से ग्रीन और जो वेस्ट में जाती है उसकी दालें हो जाती हैं। तो अगर जैसे कोई इस धनिया के कारोबार से जुड़ना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकता है, कैसे कर सकता है, क्या ये उसको करना रहेगा शुरू में, थोड़ा बताइए। किन्होंने कहा, जैसे कि मंडियां हैं बड़ी, मंडी मंडी उनमें जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसे किसानों से माल आता है, वहाँ मंडियां, सरकारी मंडियां होती हैं, उनमें इनके ऑप्शन लगते हैं, ऑप्शनों के हिसाब से जिसको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से खरीद सकता है। और वहाँ किसानों से तो ये क्या है कि सारा वो डस्ट वगैरह सारा इकट्ठा होकर आता है, फिर ये मशीनों से क्लीन होता है, क्लीन होने के बाद में फिर ये स्टोरों में जाता है, स्टोरों से फिर जहाँ जिसको ज़रूरत होती है उस हिसाब से खरीदा जब बेचा जाता है। आखिरी सवाल सर, जैसे भाव की बात की हमने, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भाव इसका बढ़ सकता है, या बढ़ने के अनुमान रहते हैं? ये फसल पर डिपेंड करता है, जैसे फसल अच्छी हो तो बाजार मंदे भी हो जाते हैं,
फसल खराब हो गई हो, धनिया में जैसे रंगत खराब हो गई, बरसात हो गई हो, खड़ी फसल पे बरसात हो जाना, तो फसल खराब हो जाना, तो जब इसकी वो खपत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ये तेजी आएगी। या तो हर फसल के ऊपर है धनिया, ये तो अभी जैसे बाजार में पूर्ति है इसकी धनिया, हाँ भरपूर फुल पूरा बढ़िया माल आ रहे हैं, अच्छे भरपूर उसकी वो है। अरे 2 साल में अब की बार धनिया वो जरूर मंदा नहीं, 2 साल पहले 100 से पार हो गया था जो हल्के धनिया थे, अब फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही रेटें चल रही हैं इस टाइम। तो जैसे ये धनिया की कई वैरायटी हैं, इसमें छिलका है जैसे, इसको क्या बोलते हैं, जैसे टूटा हुआ ये ऐसा होता है, ये धनिया होता है, ये धनिया होता है, तो जैसे जैसे ये स्टोन करते टाइम ये टूटता है या इकट्ठा करने पे टूटता है, तो इसको क्या मशीन पे जैसे जाली वगैरह होती है उन पे जैसे धनिया अलग हो जाता है और इसकी दाल है जो अलग हो जाती है, मशीन से क्लीनिंग हो जाती है। स्वाद में भी कोई फर्क नहीं, नहीं नहीं, वही धनिया की जो जो दो टुकड़ा हो जाता है वही धनिया की दाल बोलते हैं, जैसे अपने दालों में दाल होती है जो सब्जियों में खाने वाली, वही इसकी धनिया की दाल 2 पीस हो जाते हैं, तो वो वही होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। साबुत धनिया के अलग रेट होते हैं और टूटे धनिया, हाँ टूटे के 20-25 रुपए के डिफरेंस होते हैं, बढ़िया मालों में 10-12-15 रुपए के डिफरेंस होते हैं, वैसे 10-12-15 रुपए का मैक्सिमम डिफरेंस रहते हैं। धनिया की अगर किस्म की बात करें हम, कई प्रकार का जो है धनिया होता है, 10 से 12 तरीके का धनिया होता है, जिसमें साबुत धनिया होता है, अगर जो टुकड़े वाला जो टूटा हुआ धनिया होता है उसको दाल बोला जाता है, धनिया दाल। और ये अगर बात करें गुजरात से, दिसावर से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश में इसके जो है मुख्य बाज़ार हैं, वहाँ से जो है यहाँ पर ये दिल्ली की, एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है देश की, यहाँ पर ये आता है। और अगर इसके हम भावों की बात करें तो 70 रुपये से लेकर के ये 200 रुपये तक के बीच में आज का जो है इसका भाव है, 70 से 200 रुपये तक के बीच में इसका भाव चल रहा है। और दूसरी बात के इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसका कितना भाव जो है चलेगा, जैसे साबुत धनिया है या जैसे दाल धनिया की बात करी हमने, तो एक इसकी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि इसको कैसे जो है, अगर किसी के पास ज़्यादा क्वांटिटी में है वो इसको कैसे बचा के रख सकता है, क्योंकि बरसात के मौसम में इसके ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो कोल्ड स्टोर में जो है इसको रखा जा सकता है, क्योंकि वहीं पर इसको जो कोल्ड स्टोर में रख करके इसको सही सलामत रखा जा सकता है लंबे समय तक के लिए। दिल्ली से मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।